हिमाचल प्रदेश में बीती रात तीन जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला में बादल फटने से चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी जिले के रामबन गांव के रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में इतनी तेज बारिश भी नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके चारों तरफ तबाही मच गई है, जिसके चलते लोगों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी। पहले कोई बारिश नहीं थी, इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई थी, घंटे के बाद बारिश बस उसके बाद हो गए। फिर हम तो वहाँ जाके परे थे, रास्ते में गए परे साइड में जाके। रामबन गांव में बादल फटने की घटना में तीन परिवारों के दो मकान पूरी तरह से ढह गए हैं, जिसमें 11 लोग मौजूद थे। आपदा के कारण रामबन गांव के रहने वाले दो स्थानीय लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बादल फटा 11:15 बजे का टाइम था, तब तक में अभी सोया भी नहीं था ना जी। जब 11 बजे बादल फटा तो उस टाइम में जब यह पहुँचाने के साइड में था, जब मेरे आने के तुरंत मैंने जैसा भी देखा लोगों की, उसमें से 10-11 लोग गायब हैं। 11 में से एक जो हमें किसी हालत में रात को निकाल के उसको हॉस्पिटल के लिए ये कर दिया ना सर। उसके बाद जो मेरी माता थी, ठीक है, जो मेरी भाभी थी और जो मेरे भाई थे उसकी घरवाड़ी थी, उसमें से 10 में से एक डेड बॉडी मिल चुकी है, बाकी अभी 9 डेड बॉडी जो मिलना बाकी है। उसके अलावा जो भेड़ बकरियाँ भी लोगों की, एक गाय और एक भेड़ दो बकरियाँ वो भी गाय। वही घटना की जानकारी देते हुए मंडी के एडीएम ने बताया कि बादल फटने की घटना का पता चलते ही रात को अधिकारियों की एक टीम घटना स्थल के लिए रवाना हो गई थी, जिसके बाद वहां राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल वहां पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। उसके बाद जो है वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड्स पुलिस की टीम जो है मोबिलाइज की है रात को इमीडिएटली, और उपायुक्त महोदय अपूर्व देवगन साहब खुद ही मौके पे जो है वो राहत और बचाव कार्य का जायज़ा ले रहे हैं। वो रात को ही यहाँ से रवाना हो गए हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है और वहाँ पे जो है वो रोड भी वॉश ऑफ हो गया था, ब्रिज था पीछे वो भी वॉश हो गया था, और जो है उस लैंडस्लाइड हर जगह थे। तो PWD की सहायता से जो है रोड जो इमीडिएटली जो है वो वहाँ पे खोला गया, और हमारी जो टीम्स हैं वो वहाँ पे, रेस्क्यू टीम जो वहाँ पे पहुँची हैं, और उन्हें राहत बचाव कार्य जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं के बाद से प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और हालात की जानकारी ली है। बता दें कि हिमाचल में अचानक बादल फटने की घटना से एक नेशनल हाईवे और 5 सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है, जबकि 3 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं।